Hello and welcome back to Mommy's Kitchen Story. If you like my recipes, then don't forget to subscribe my channel. Also press the bell icon for the latest updates. So, आज हम बनाएंगे चिली मशरूम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में. The recipe is basically Indo-Chinese and it is very simple. So, let's check out the recipe. सो चिली मशरूम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम्स मशरूम लिया है जिसे मैंने मैरिनेट कर लिया है. मैरिनेशन में मैंने नमक, काली मिर्च और कॉर्नफ्लावर डाला है. इसे हम बहुत पहले से मैरिनेट नहीं करते हैं क्योंकि जो हमारा मशरूम है वो पानी छोड़ता है, इसलिए हम इसे तुरंत तुरंत ही मैरिनेट करते हैं. अब हम मशरूम को डीप फ्राई कर लेंगे. इसके लिए मैंने इस पैन को गर्म कर लिया है और इसमें मैं डालूंगी ऑयल. मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं. सो ऑयल के गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे मैरिनेटेड मशरूम. सो मशरूम को मैरिनेट करते समय मैंने आधी चम्मच काली मिर्च डाली है एंड करीब 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है. सो यहाँ पे जो कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी है वो वेरी कर सकती है क्योंकि मशरूम को आपने पहले से धो के रखा है या तुरंत धोया है, उसके हिसाब से आपको कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी. सो यहाँ पे हमने एक बैच हमारे मशरूम का डाल दिया है. अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाए दोनों तरफ से तो हम इन्हें निकाल लेंगे. सो एक साइड से ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, अब हम इसे पलट लेंगे एंड इन्हें दूसरे साइड से सेक लेंगे. आप देख सकते हैं हमें कितना गोल्डन करना है. बस ऐसे ही हम दूसरे साइड से भी कर लेंगे. बहुत ज़्यादा हमें इन्हें नहीं तलना है, नहीं तो मशरूम एकदम छोटा हो जाएगा क्योंकि मशरूम में पानी रहता है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं तो वो एकदम छोटा हो जाता है. तो मशरूम हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे एंड ऐसे ही हम बाकी के मशरूम को भी फ्राई कर लेंगे. जब हम मशरूम को फ्राई करते हैं तो उसमें ऑलरेडी काफी ऑयल हो जाता है, तो जब हम बनाएंगे तो हम बहुत कम ऑयल डालेंगे. एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे ऑयल एकदम कम कर दिया है, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून. अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन. मैंने यहाँ पे करीब 10 से 12 लहसुन की कली ली हैं. उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, करीब 3 से 4 हरी मिर्च. इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड थोड़ी देर क्रैकल होने देंगे जिससे कि जो गार्लिक और चिली का फ्लेवर है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए. उसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियन, डाइस्ड अनियन या प्याज. मैंने यहाँ पे 2 बड़ी प्याज ली हैं जिन्हें मैंने डाइस कर लिया है. अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड थोड़ी देर पकने देंगे. प्याज को बस हम हल्का सा सॉटे करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे. उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी सॉसेस. सो मैं सॉस को ऐसे बीच में डालती हूँ. सबसे पहले हम डालेंगे टोमेटो सॉस, करीब 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डालेंगे. उसके बाद हम डालेंगे सोया सॉस, करीब 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर. मैं यहाँ पे चिली विनेगर डाल रही हूँ, आप नॉर्मल विनेगर भी यूज कर सकते हैं. एंड एट लास्ट हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, करीब 1 टेबलस्पून. चिली सॉस की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं. सॉसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे. सो करीब 1 से 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी, करीब 1 छोटा कप. बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम ड्राई चिली मशरूम बना रहे हैं. बस हमें एक हल्की सी सॉस रेडी करनी है
जिससे कि जो हमारे मशरूम है उसमें जो ये सॉस है वो अच्छे से लिपट जाए। सो इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे एंड उसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई है। कॉर्नफ्लावर डालने से जो हमारी सॉस है वो अच्छी गाढ़ी बनती है एंड जो हमने पानी डाला है वो भी अलग से ऐसे नहीं दिखता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे डाइस की हुई शिमला मिर्च या कैप्सिकम। मैंने यहाँ पे 2 बड़ी शिमला मिर्च ली हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे इसमें थोड़ी सी सॉसेस की कमी लग रही है सो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी सोया सॉस ऐड कर रही हूँ एंड थोड़ी सी टोमेटो सॉस भी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एज यू कैन सी अब हमारी सॉस का कलर काफी अच्छा हो गया है। सो हमारी सॉस ऑलमोस्ट रेडी है बट हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे क्योंकि हम ड्राई चिली मशरूम बना रहे हैं तो जो हमारी सॉस है वो बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होनी चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। नमक डालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमने मशरूम में भी मैरिनेशन में नमक डाला है और जो सोया सॉस है उसमें भी नमक होता है। तो हमारी सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे फ्राइड मशरूम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो एज यू कैन सी ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हम करीब 1 से 2 मिनट और पकाएंगे जिससे मशरूम में अच्छे से सॉस के फ्लेवर आ जाए एंड उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। सो एज यू कैन सी हमारा चिली मशरूम रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें एंड आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो रेस्टोरेंट स्टाइल चिली मशरूम इज रेडी। इफ यू लाइक माई रेसिपीज देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। योर कमेंट मींस अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।